सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, यहाँ पे इसमें हमें शो करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो देखिए अगर ए माइनस बी हमें शो करना है तो ए माइनस बी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। अगर ए माइनस बी लाने के लिए हम, देखिए हम ए माइनस बी लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम ए में से रो फर्स्ट में से रो सेकंड माइनस कर देते हैं तो मेरा ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक। और फिर रो रो सेकंड में रो थर्ड माइनस कर देंगे तो मेरा बी माइनस सी आ जाएगा। फिर उसके बाद रो सी माइनस ए लाने के लिए हम क्या करेंगे, सी माइनस ए लाने के लिए अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो शायद किसी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो शायद मेरा सी माइनस ए आएगा आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम करके देखते हैं क्या ये आता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इसे करने के लिए हम पहले जो हम आपको बताए हैं कि रो वन में हम चेंजिंग करते हैं, अरे रो वन में से रो टू को हम माइनस करके देखते हैं कहाँ तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए ये हो गया मेरा, ठीक है। रो वन में रो टू माइनस कर रहे हैं हम, रो वन में चेंजिंग कर रहे हैं, रो टू थ्री में कोई चेंजिंग नहीं। तो पहले जिसमें नहीं चेंजिंग कर रहे हैं उसको उसी तरह लिख लीजिए, बी सी और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आर वन है आर टू है, मतलब वन में वन माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, ए में बी माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसमें से हम ए माइनस बी को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो मेरा कुछ हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो मेरे पास ए माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, ए माइनस बी की हमें ज़रूरत भी है तो ए माइनस बी को हम कॉमन ले लिए हैं। ए माइनस बी को अब हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा जीरो, तो यहाँ पे है तो जीरो उसी तरह हो जाएगा, ठीक। ए माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास वन बचेगा और यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ये ए माइनस बी चला गया तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर बचा, जो अब यहाँ रो सेकेंड रो थर्ड में जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया जीरो, यहाँ पे हो गया वन, यहाँ पे हो गया ए प्लस बी। तो अब हमारे पास जो चीज़ बच रहा है उसको वैसे ही लिख, रो सेकेंड रो थर्ड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा वन, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बी, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वन, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास सी और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर। अब यही चीज़ हम रो सेकंड में कर देते हैं, तो रो सेकंड में करेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही बी माइनस सी निकल जाएगा जैसे हम ए माइनस बी निकाले हैं। तो चलिए हम रो सेकंड में करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रो रो सेकेंड इजकल टू रो सेकेंड माइनस रो थर्ड, ठीक है। रो सेकेंड माइनस रो थर्ड लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ईसा ए माइनस बी जैसा मेरा बाहर है वैसा ही ए माइनस बी पहले बाहर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम रो सेकेंड में चेंजिंग करना है तो रो फर्स्ट और ए कोई चेंजिंग नहीं है तो लिख लेते हैं जीरो वन और ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे वन में से वन माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, बी में सी माइनस करेंगे तो यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा और बी में सी माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस का सी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे मेरा रो थर्ड में कोई चेंजिंग नहीं है तो वन सी और सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से भी देखिए हम जैसे फर्स्ट में लिए थे कॉमन वैसे ही हम सेकंड में भी कॉमन ले सकते, रो सेकंड में भी कॉमन लेते हैं। यहाँ बी माइनस सी है और यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, हमें किसकी ज़रूरत है, बी माइनस सी की है। बी माइनस सी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं ए माइनस बी एक हो गया और यहाँ पे मेरे पास एक हो गया बी माइनस सी, ठीक। अब यहाँ पे हम अंदर लिख लेते हैं, तो अंदर मेरे पास यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे ए प्लस बी है, ठीक। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी अब जो कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे वन बचेगा और ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था तो जब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं तो मेरे पास बचेगा बी बचेगा और प्लस सी बचेगा, ठीक है। सेम टू सेम इसी की तरह है और यहाँ पे हो जाएगा मेरा जैसा वन है, सी है और सी स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए अब तो मेरा हो गया सॉल्व, अब हम कैसे, अब हमें क्या लाना था, सी माइनस ए भी लाना है, ठीक है। तो सी माइनस ए लाने के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए सी माइनस ए लाने के लिए अगर हम अब हमें दो जीरो, देखिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कॉलम में दो दो जीरो आ चुका है, ठीक है। तो जब दो जीरो आ गया है तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम फर्स्ट में ही दो जीरो आ गया है तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम फर्स्ट के अलोंग। तो जब कॉलम फर्स्ट के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे जो पहले चीज़ है वैसे ही लिख लेते हैं, जो पहले मेरे पास जो चीज़ बाहर है उसको बाहर ही लिख लेते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वन के अलोंग करना है, यहाँ पे ये दो जीरो है तो इसको इसको लेकर कुछ करेंगे, कुछ आने वाला है नहीं मेरे पास, यहाँ पे वन है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वन, ठीक। अब ये इस वाली रो को छोड़ दीजिए और इस वाली कॉलम को छोड़ दीजिए, यहाँ पे मेरा वन और बी प्लस सी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा बी प्लस सी, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे आइए, इस ब्रैकेट को बंद करिए, माइनस का साइन लगाइए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी हो गया। अब इसको हम अब यहाँ पे आइए, ए माइनस बी जैसा है तैसा ही लिख लीजिए, बी माइनस सी जैसा है तैसा ही लिख लीजिए, और वन लिखने से कोई मतलब तो अब है नहीं इसका। तो अब हम इसको ब्रेकेट को खोल देते हैं, ठीक है। जब ब्रेकेट को खोलेंगे तो यहाँ बी प्लस सी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बी। तो देखिए यहाँ का प्लस का बी और यहाँ माइनस का बी कट जाएगा, मेरे पास बचा सी माइनस ए। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं ए माइनस बी जो मेरा चल रहा था ऊपर से ही, और यहाँ पे चल रहा था बी माइनस सी, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा सी माइनस ए बचा, तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे सी माइनस ए। तो ये आ गया मेरा आर एच एस, ठीक है। यही चीज़ हमें लानी थी जो आ गई, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही चीज़ हमें शो करनी थी जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे हम ला दिए हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस चीज़ को हम शो कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है जो मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 का क्वेश्चन सेकेंड है, 8 का क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सॉल्व करेंगे 8 का क्वेश्चन सेकेंड। तो 8 का क्वेश्चन सेकेंड में देखिए इसमें क्या है, देखिए ये एकदम 8 के क्वेश्चन फर्स्ट के ही तरह है, इसमें देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और 8 के फर्स्ट में भी कुछ ऐसा ही था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बस इसमें 8 के सेकेंड में मेरे पास ऐड हो गया है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम देखिए अब इसको भी जैसे एकदम 8 का फर्स्ट सॉल्व किए थे वैसे 8 का सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें कॉलम को माइनस और प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए में से बी माइनस करेंगे, ठीक, और यहाँ इसमें ए में से बी माइनस करेंगे तो मेरा ए माइनस बी आएगा, ठीक है, और बी में से फिर बी में से सी माइनस करेंगे तो मेरा बी माइनस सी आएगा, और फिर इसी तरह करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, एकदम सेम टू सेम 8 के फर्स्ट के ही तरह है, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब इसमें देखिए हम कॉलम के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कॉलम फर्स्ट इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकेंड, ठीक, कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकेंड लिख लेंगे। तो कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकेंड माइनस करना है, मतलब ए में से बी माइनस करना है, ए की में से बी क्यू माइनस करना है, ठीक है, वो भी कॉलम फर्स्ट में, मतलब इसमें से, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वन में से वन माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, ठीक, फिर ए में से बी माइनस करेंगे तो मेरे पास ए माइनस बी आ जाएगा, और ए क्यूब में से बी क्यूब माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ठीक। और रोज कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड इसी तरह लिख लेते हैं, तो कॉलम थर्ड मेरा हो जाएगा वन सेकेंड वन और बी, और यहाँ पे हो जाएगा बी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा वन सी, और यहाँ पे हो जाएगा सी क्यूब, ठीक। अब हमें ए माइनस बी को कॉमन लेना है, ठीक है, ए माइनस बी को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास ए क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे माइनस का बी क्यूब है, ठीक। तो अगर देखिए ये मेरा एक फार्मूला भी है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है मेरे पास, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मेरा एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ठीक। तो हमें यहाँ पे चाहिए
यहाँ पे हमें लाना है ए माइनस बी, और यहाँ पे अगर हम ए माइनस बी रखते हैं इसमें से, अगर ए माइनस बी निकाल लेते हैं और ए माइनस बी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो मेरा कॉमन निकल जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, ठीक है, यहाँ पे पुट करने से, यहाँ पे पुट क्या करना है, यहाँ पे बहुत मतलब लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम कुछ शॉर्टकट से बता रहे हैं इसको कि अगर ए माइनस बी और ए माइनस बी यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कुछ इस तरह से। मेरे कहने का कुछ ये मतलब है कि अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम ए माइनस बी को बाहर ले लिए तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा जीरो, ठीक, यहाँ पे मेरे पास बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे इस कॉलम में था, ठीक है, इस कॉलम से लिए, कॉलम फर्स्ट से हम लिए हैं, तो यहाँ ए माइनस बी था, यहाँ पे ए माइनस बी था, इसमें देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी बाहर ले लिए हम, तो यहाँ पे मेरे पास जब ए माइनस बाहर ले लिए हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बचा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे तो मेरा वन बचेगा, यहाँ पे जब हम निकाल लेंगे बाहर तो यहाँ पे वन बचेगा, और यहाँ पे ये नीचे साइड में मेरे पास आएगा ना, नीचे साइड में मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ से ए माइनस बी और यहाँ से ए माइनस बी जब बाहर लिए हैं तो यहाँ पे तो मेरा वन हो जाएगा, और यहाँ से जब बाहर ले लेंगे तो ये मेरे पास बचेगा, ठीक है, ये चीज़ तो मेरा बाहर चला गया है, यहाँ पे मेरे पास बचा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे सेकेंड सेकेंड कॉलम वैसे ही लिख देते हैं, वन बी और बी क्यूब, और यहाँ पे है वन सी और यहाँ पे है सी क्यूब, ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से लिख दिए हैं, इसी तरह से लिख दिए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो ए माइनस बी तो मेरा कॉमन बाहर आ चुका है, तो अब हमें लाना है बी माइनस सी कॉमन लाना है, मतलब बी माइनस सी को हमको बाहर निकालना है, तो बी माइनस सी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही निकाल लेंगे। अगर देखिए हम यहाँ पे देखिए, अगर हम कॉलम 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 सेकेंड से कॉलम थर्ड माइनस कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कॉलम सेकेंड से कॉलम थर्ड माइनस कर देते हैं, बी माइनस सी हमें लाना है ना, तो यहाँ से कॉलम सेकेंड से कॉलम थर्ड माइनस कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा b माइनस सी, इसी तरह से जैसे हम a माइनस बी निकाले एकदम सेम टू सेम वैसा ही b माइनस सी भी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम निकालते हैं उसको भी, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कॉलम सेकेंड इज इक्वल टू कॉलम सेकेंड माइनस कॉलम थर्ड, ठीक है, जब कॉलम सेकेंड में से कॉलम थर्ड माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे जैसे जो चीज़ मेरे पास है वैसे लिख लेते हैं, a माइनस बी पहले से मेरे बाहर से पहले से बाहर लिख लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जब हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे अब हम लिखेंगे वन, हमको सेकेंड में चेंजिंग करना है कॉलम सेकेंड में, तो कॉलम फर्स्ट लिख लेते हैं वन ए, और यहाँ पे है मेरा ए क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे मेरा कॉलम सेकेंड में चेंजिंग करना है, तो कॉलम सेकेंड में ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वन में से वन माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे वन में से वन माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा जीरो, ठीक है, वन में से वन माइनस, अरे यहाँ पे भी तो जीरो है, यहाँ पे ये चीज़ जीरो है, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, फिर वन में से यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए आप, वन में से वन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा जीरो, ठीक, बी में से सी माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे देखिए, यहाँ पे मेरे पास बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा बी क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरा सी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा वन, यहाँ पे हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा सी थ्री, ठीक। अब यहाँ से हमें बी कॉलम सेकंड के भी कॉलम सेकंड से भी हम देखिए बी माइनस सी है यहाँ पे, यहाँ पर बी माइनस सी आएगा, जैसे फार्मूला इसका लिखेंगे हम तो आ जाएगा बी माइनस सी, तो देखिए हम बी माइनस सी लिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बी माइनस सी का अगर हम फार्मूला देखें तो ये आ जाएगा बी क्यूब था मेरे पास और सी क्यूब था, जब इसका हम फार्मूला लिखेंगे तो ये मेरे पास फार्मूला होगा बी माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें किसकी ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ज़रूरत है बी माइनस सी की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बी माइनस सी यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पे भी हम पुट करते हैं बी माइनस सी, ठीक, इस फार्मूले के अंदर बी माइनस सी भी है, तो बी माइनस सी अगर बाहर लेते हैं तो मेरे पास क्या चीज़ बचेगा, मेरे पास बचेगा यहाँ पे तो मेरा वन हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा, यहाँ पे ये चीज़ बचेगा नीचे वाले, ये नीचे एलिमेंट में ये बचेगा ये चीज़, देखिए इसको लिख के दिखाते हैं, यहाँ पे अगर हम ए माइनस बी लिख लेते हैं और यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं बी माइनस सी, बाहर ले लिए हैं, ठीक, तो यहाँ पे अब मेरा हो जाएगा, यहाँ पे क्या मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जीरो है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे मेरे पास जीरो है, ठीक, यहाँ पे मेरे पास जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो लिख लेंगे, यहाँ बी माइनस सी तो मेरा बाहर चला गया तो यहाँ पे वन बचा है, और यहाँ से भी बी माइनस सी हम बाहर ले लिए हैं, ठीक है, बी माइनस सी चीज़ को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा,
यहाँ पे क्या मेरे पास बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड थर्ड कॉलम है उसी तरह जैसे है वैसे लिख लेते हैं, तो 1 है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी क्यूब है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिख लिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया। अब हम देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 0 भी आ गया, तो इसको रो फर्स्ट के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे तो मेरा कुछ और आसानी से और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, अब जब जब 2 0 आ गया तो हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट, रो फर्स्ट में मेरा 2 0 आया है, ठीक है। तो रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसको अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 0 आ गया, तो यहाँ पे मेरा 1 है, तो यहाँ पे ये दोनों को रखने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले जो चीज़ है मेरे पास लिख लेते हैं, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी हम लिख लिए हैं, यहाँ पे मेरे पास बी माइनस सी है तो बी माइनस सी लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे 1 हम लिख लिए, ठीक। अब इसके अंदर आइए, अंदर आएंगे तो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी हमें, अब ये चीज़ हमें छोड़ देनी पड़ेगी क्योंकि हम ये फर्स्ट रो जिस जो रो लेते हैं उसकी रो छोड़ देते हैं और जिस एलिमेंट के नीचे वाली कॉलम रहती है उसको छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ हम छोड़ दिए। तो ए में इसका मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए में मेरे पास मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा बी सी होगा प्लस सी स्क्वायर होगा। अरे एक चीज़ मेरे पास गलती हो गई, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, तो यहीं यहाँ पे वही चीज़ लिखाएगा और यहाँ पे भी वही चीज़ लिखाएगा, ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें वही चीज़ लिखना पड़ेगा जो कि हम छोड़ दिए थे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा इसका इससे, अरे इसका पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, अरे यार यहाँ पे भी मेरा 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी मेरा, यहाँ पे भी मेरा, यहाँ पे तो कट गया है तो यहाँ पे भी मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो इसका इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और जब माइनस, अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक, और फिर यहाँ पे हमारे पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा ए माइनस बी, ठीक, बी माइनस सी, बी माइनस सी बचेगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, बी बी प्लस बी सी है और सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी है, ठीक। तो इसको हम अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को इधर पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी बी सी और ए बी को एक साइड में लिख लेते हैं, बी सी और माइनस ए बी को एक साइड में लिख लिए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए अब मेरा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये मेरे पास ए माइनस बी बाहर जैसे चल रहा था वैसे ही लिख लिए हैं, ठीक। अब यहाँ से सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो इसमें से हम कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पे 2 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस वाले जो है देखिए कुछ इस तरह से है, इसमें सी प्लस ए है एक और एक है मेरा सी माइनस ए है, ठीक है, जो कि हम जानते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बी सी है, तो अगर इसमें बी है इधर भी बी है तो यहाँ पे हम प्लस बी को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो जब बी को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा सी माइनस ए, ठीक है। जब मेरे पास सी माइनस ए बचेगा तो अब देखिए अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अब ए माइनस बी जो जैसा चल रहा है वैसे लिख लेते हैं, बी माइनस सी जैसा चल रहा है वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सी प्लस ए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी माइनस ए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास यहाँ बचा सी प्लस ए और यहाँ पे मेरे पास बचा बी सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा हो जाएगा यहाँ पे सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक, तो सी माइनस ए, सी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सी माइनस ए और सी माइनस ए
ये इसी तरह हो जाएगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सी माइनस ए तो हम निकाल दिए, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे मेरे पास बचा सी प्लस ए और सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सी से सी कॉमन ले लेते हैं, अगर हम जब सी से सी कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा सी फिर प्लस ए, ठीक है, और प्लस बी मेरे पास हो जाएगा। देखिए सी से सी कॉमन लेंगे तो सी हो गया, और यहाँ से ए उतर गया, यहाँ से बी उतर गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, अब मेरा ये आ गया आंसर ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन में बोला था, जैसे क्वेश्चन में दिया था, ए लिख लेते हैं यहाँ पे, बी लिख लेते हैं यहाँ पे, सी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, जो कि हम प्रूफ कर दिए। देखिए यही चीज़ ना हमें प्रूफ करनी थी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस बी, सी, ये आगे मेरा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें शो करना है 5x + 4 और 4 - x² तो इसको हमें शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में आइए और देखिए कहाँ से इस क्वेश्चन को हम शो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए मेरा कहाँ से शो हो सकता है, अगर हम R1, R2, R3 ये तीनों को हम ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, 4x और 4x, ये और x, ये मेरे पास बन गया 5x, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए 2x और 2x, 4x, यहाँ पे भी 2x, 2x और यहाँ पे x, 5x, यहाँ पे भी मैं 2x, 2x और यहाँ x, 4x, x, 5x। तो देखिए मेरा जो है ये रो फर्स्ट जो है मेरा किसी भी कहीं से भी ऐड करिए, रो फर्स्ट मेरा 5x बन जाएगा, ठीक। तो हम जहाँ से हमको पहले मिल रहा है, जहाँ से मेरा क्वेश्चन बन रहा है, जो शो करना है वो चीज़ बन रहा है, तो पहले वहाँ से हम बना लेते हैं। तो मेरा R1 = क्योंकि सब R1 में बन रहा है, तो R1 में ये सारी चीज़ हम ऐड कर देंगे, रो फर्स्ट को ऐड कर देंगे, रो सेकेंड को ऐड कर देंगे, रो थर्ड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब रो फर्स्ट में ये तीनों चीज़ ऐड करते हैं तो ये मेरा 2, 2, 4, 4x और ये x, 5x, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 5x + 4। तो देखिए यहाँ पे मेरा आ गया 5x + x, ठीक है। तो यहाँ पे 5x + 4 आ गया इस रो में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे भी मेरा आ जाएगा 5x + 4। तो चलिए यहाँ पे भी मेरा आ जाएगा 5x + 4, ठीक। रो फर्स्ट में मेरा सब आ गया 5x + 4, क्योंकि हम इन तीनों रो को ऐड किए, रो 1, रो 2, रो 3, और सब सेम है, तो मेरा 5x + 4 आ गया, ठीक है। तो जब मेरा 5x + 4 आ गया रो फर्स्ट में, तो रो सेकंड, रो थर्ड उसी तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा x + 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा x + 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जब मेरा रो फर्स्ट में 5x + 4 है, ठीक, तो 5x + 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब तो यहाँ हो जाएगा 5x + 4 कॉमन, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा यहाँ 1। अब जो रो सेकेंड है उसी को लिख लेते हैं x + 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x + 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब तो यहाँ पे सब 1 आ गया, ठीक। अब हम देखिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से माइनस करते हैं अगर, तो यहाँ पे मेरा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से माइनस करेंगे तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2x से 2x माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब मेरा 2 0 आ जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट में, जब 2 0 आ जाता है तो उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ये हम प्रॉपर्टी में पढ़े हैं। तो इसको हम जब 2 0 हो जाएगा तो उसको हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक। तो चलिए अब हम इसको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से माइनस कर देते हैं, तो कॉलम फर्स्ट = कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड, ठीक है। तो अब हम इसको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से माइनस कर लेते हैं, तो जो बाहर चीज़ है उसको बाहर लिख लेते हैं, 5x + 4 मेरा बाहर है तो बाहर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे आइए, 1 में से 1 माइनस होगा तो मेरा हो जाएगा 0, ठीक। फिर x + 4 और यहाँ पे 2x है, ठीक। तो यहाँ से x और यहाँ से 2x में से x माइनस हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा x। तो यहाँ पे हम पहले 4 लिख लेते हैं, फिर 4 + x लिख लेते हैं, ठीक। नहीं सॉरी, 4 - x में हो जाएगा, तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - x, और यहाँ से x है, यहाँ 2x है, तो x में 2x माइनस करेंगे तो मेरे पास x बचेगा, तो ये हो गया 4 - x। यहाँ पे 2x में से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा।
ये चीज हो गई मेरी कॉलम फर्स्ट की कंप्लीट। अब कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड हम वैसा ही लिख लेते हैं जैसे दिया हुआ है। 1 दिया हुआ है, x प्लस 4 दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है और x प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक, जैसे दिया था वैसे हम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे कहा गया, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए, अब जब मेरा 2 0 आ गया तो इसको एक्सपेंड कर देंगे सिंपली। तो एक्सपेंड कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट के अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 0 मिल गया है। तो यही ना मेरे पास बचा है 4 x, तो 4 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ जो चीज़ बाहर है उसको लिख लेते हैं 5x + 4। यहाँ पे इस चीज़ को ले लेते हैं कॉलम फर्स्ट के लॉन्ग, तो 0 0 इसका कोई मतलब है नहीं। तो 4 x को हम ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 x। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 4 में x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4, तो ये मेरा हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पे इस कॉलम को हम छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। तो इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 में x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4 और 1 में 2x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस का 2x। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान नहीं दिए थे तो इसलिए मेरा थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। ठीक, तो यहाँ से मेरा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको हम मल्टीप्लाई करना है और इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे जैसे है वैसे लिख लेते हैं 5x + 4। अब यहाँ पे जो है कि 4 में 4 x है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 x लिख लेते हैं पहले। फिर तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2x में से x माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x, और 4 में से 2x में से x माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचेगा x। तो यहाँ पे पहले हम 4 लिख लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, इस चीज़ को हम इधर कर लेंगे। तो 2x - x मान लीजिए है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक, देखिए ये चीज़ जो 2x है, -2x है, यहाँ पे x है, तो इस चीज़ को हम x को इधर ला दिए हैं। तो x में से x माइनस किए हैं तो x में से x माइनस करेंगे, 2x में से x माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं x और 4 को 4 इसी तरह लिख दिए हैं। ठीक, तो ये मेरा हो गया यहाँ तक। तो अब देखिए ये मेरा सॉल्व हो गया 5x + 4, और यहाँ पे आ गया देखिए यहाँ पे 4 x, यहाँ पे 4 x, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 x2। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज़ हो गया मेरा, ये मेरा आ गया RHS। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे 10th का सेकेंड क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें हमें शो करना है k² 3y + k। देखिए 3y + k तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए y + k, y और y, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 3y + k। ठीक है, अगर देखिए हर क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन में ध्यान से आप देखेंगे, जो चीज़ प्रूफ करना है हमें, जो चीज़ शो करना है, अगर उस चीज़ को हम यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का कुछ ना कुछ तो हमें हिंट मिल ही जाएगा। ठीक, तो देखिए हमें यहाँ से कुछ हिंट मिला है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं भाई, ऐड कर लेते हैं R1 में हम R1 + रो फर्स्ट में हम ऐड कर रहे हैं, रो फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं, रो सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, रो थर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा मेरा वाई हो जाएगा यहाँ पे y + k, y + k, y है, तो ये मेरा हो जाएगा 3y + k। यहाँ पर भी वही चीज़ है, y है, y + k है, y है, तो यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा 3y + k। ठीक, और यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3y + k। ठीक, अब देखिए अब सेकेंड रो उसी तरह लिख लेते हैं y + k और यहाँ पे y, और थर्ड रो भी उसी तरह लिख लेते हैं y + k। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट रो से हम 3y + k को कॉमन ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे 3y + k को हम कॉमन ले लिए हैं, जब 3y + k को हम कॉमन ले लिए हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये चीज़ मेरी बाहर आ गई तो मेरे पास क्या अंदर बचेगा, अंदर 1 ही बचेगा, तो अंदर 1 लिख लिए हैं, और रो सेकेंड में तो कुछ नहीं है, तो y y + k और y
और यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई प्लस के। ठीक, अब यहाँ तक देखिए मेरा सॉल्व हो गया बहुत ही सिंपली से। क्वेश्चन को हम ध्यान देकर देखें तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर कॉलम देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से माइनस कर देंगे तो मेरा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर अगर जीरो आ जाता है मेरे क्वेश्चन में, इधर सॉल्व करने समय अगर जीरो, दो जीरो या तीन जीरो आ जाता है मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकेंड को माइनस कर देंगे, ठीक, तो वन में से वन माइनस कर देंगे तो मेरा जीरो आ जाएगा, वाई में वाई माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद सिंपली हम इसको जैसे एक्सपेंड करते हैं कॉलम फर्स्ट के लंग, वैसे कॉलम फर्स्ट के लंग एक्सपेंड कर देंगे, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से तो हमें जीरो मिल जाएगा, यहाँ से हम जीरो निकाल लेते हैं, यहाँ पे बस लिख देते हैं कॉलम फर्स्ट इक्वल टू कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकेंड। इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं लिखेंगे आप तो कंफ्यूजन आपको भी होगी और एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन होगी समझने में। तो ये चीज़ हो गया, तो वन में से वन माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉलम फर्स्ट में वाई प्लस के में वाई, वाई प्लस के में वाई माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे रफली देख लीजिए, इसमें वाई है यहाँ पे और माइनस करना है वाई प्लस के। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो वाई से वाई मेरा कट जाएगा, ये प्लस का वाई है, वाई है माइनस का वाई है, ये प्लस का ये माइनस का, तो वाई से वाई कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ओनली मेरे पास के बचेगा। ठीक, तो माइनस का के बचेगा, ये यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा माइनस का के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा वाई से वाई माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मेरा वन हो जाएगा, यहाँ पे वाई प्लस के हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, वन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई प्लस के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको जब मेरा दो जीरो आ गया तो कॉलम कॉलम फर्स्ट के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट के लॉन्ग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा थ्री वाई प्लस के। ठीक, और यहाँ से के को ले लेते हैं हम, तो के को यहाँ से जब हम ले लेंगे तो यहाँ माइनस का के है और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लस का होता है, तो ये प्लस का के हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये इस रो के अलॉन्ग कर रहे हैं, इस कॉलम के और इस रो के अलॉन्ग, ये इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरा वाई प्लस के हो जाएगा। ठीक है, वाई प्लस के हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम आएंगे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ओनली वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा मेरा, वाई से वाई कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थ्री वाई प्लस के। ठीक है, थ्री वाई प्लस के, थ्री वाई प्लस के हो गया, और यहाँ पे के बचा और यहाँ पे के बचा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के इंटू के। ठीक, तो यहाँ पे आ गया मेरा फाइनल आंसर थ्री वाई प्लस के, और थ्री वाई प्लस के, और यहाँ पे आ गया मेरा के का स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में मेरा था इस तरह यहाँ से, तो ये मेरा हो जाएगा थ्री वाई प्लस के, सॉरी यहाँ पे क्यों होगा के, तो ये आ गया मेरा आर एच एफ। ठीक है।